Now, welcome students. Now, as I have promised that I will explain and some more questions related to polynomials in my lecture 4. I have taken one question from NCERT and two questions from 2B and 2C from RSR. Now, I am going to explain and solve this question. Now, see this question number 1. This question is very important. बहुत important है. ये बहुत बार board exam में आ गया. तो बहुत ध्यान से देखेंगे. हमारे पास polynomials दिया गया और इसके दो zeros हैं. इसके दो zero हम और find out करें. तो दो जीरो है उसको मान लेंगे हम x is equal to root under 5/3 x is equal to minus root under 5/3 इससे इक्वेशन डिवाइड करेंगे तो प्लस इधर आएगा तो माइनस माइनस इधर आएगा तो प्लस दिस टू टर्म्स आर द फैक्टर ऑफ दिस px अब हम क्या करेंगे बच्चों जैसे एग्जांपल लेते हैं इफ 12 इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 तो 12 इज आल्सो डिविजिबल बाय 2 into 3 तो px अगर इन दोनों टर्म से डिवाइड होता है पूरी तरह से क्योंकि फैक्टर है तो इसके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा तो इसका प्रोडक्ट निकालेंगे x माइनस रूट अंडर 5/3 और x प्लस रूट अंडर 5/3 a माइनस b टू a प्लस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अब हमने क्या किया इसको और सिंपलीफाई करने के लिए LCM आया इसका 3 तो 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया हर एक टर्म को तो हमारा आ गया 3x स्क्वायर माइनस 5 तो 3x स्क्वायर माइनस 5 से अब हम इस टर्म को डिवाइड करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 5 डिवाइड 3x टू द पावर 2 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x एंड माइनस 5 मैं पहले ही बता रहा हूं बच्चों अगर आप डिवीजन जानते हैं तो पॉलीनोमियल के छात्र बहुत आसानी से बना लेंगे जिन बच्चों को अभी भी परेशानी है आपको थोड़ा सा और मेहनत करना है और डिवीजन सीखना ही है नहीं सीखेंगे तो आपका काम नहीं चलेगा ये एट क्लास से आपको पढ़ाया जा रहा है चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं अब यहाँ 3 है 3 डिवाइड बाय 3 एक्स 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो गया एक्स स्क्वायर हो गया दैट इज इक्वल टू 3 एक्स टू द पावर 4 एंड 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5 एक्स स्क्वायर तो यहां लिखेंगे क्योंकि लाइक टर्म से ही लाइक टर्म को हम घटा सकते हैं और लाइक टर्म से ही लाइक टर्म को ऐड कर सकते हैं दिस बोथ आर कैंसिल वी आर 6x क्यूब प्लस 5 माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 और नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी 6x क्यूब डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर 3 टू जा 6 एंड हियर x प्लस 2x 2 3 जा 6x क्यूब माइनस 5 प्लस 2 5 टू जा 10x चेंज द साइन माइनस एंड प्लस दिस बोथ आर कैंसिल 3x स्क्वायर माइनस 5 नाउ 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 अगेन व्हाट इज द रूल टू फाइंड द क्वेश्चंस इन ईच स्टेप फॉर द डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक टर्म्स आपको हर एक बार पहले डिविडेंड को पहले डिवाइजर से डिवाइड करके आपको हर एक स्टेप में आप क्वेश्चंस फाइंड आउट कर सकते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा 1 तो 3x स्क्वायर माइनस 5 1 डिवाइडेड बाय दिस टर्म इज सेम चेंज द साइन दिस बोथ आर कैंसिल नाउ अब हम क्या कर सकते हैं px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5 इनटू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 कुछ बच्चे सोचेंगे हम ऐसा क्यों लिखेंगे बहुत ही आसान है दोस्तों अगर 3 से हम 12 को डिवाइड किए 3 4 जा 12 रिमाइंडर कुछ नहीं बचता तो डिविडेंड को क्या लिख सकते हैं 3 इनटू 4 ये डिविडेंड क्या हो जाएगा डिवाइजर इनटू कुछ अब इसका जीरो हम फाइंड आउट करेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 सो हियर 2x को सब्स्टिट्यूट करेंगे x स्क्वायर प्लस x प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इन दोनों से हम x कॉमन लेंगे x प्लस 1 यहां से कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन लेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 x प्लस 1 into x plus 1 is equal to 0 x plus 1 whole square is equal to 0 x is plus 1 is equal to 0 so x is equal to minus 1
What are the other two roots? Answer, that is equal to minus 1 and minus 1. आसान है बच्चों, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, आरएस अग्रवाल एक्सरसाइज 2 की क्वेश्चन नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेक आरएस अग्रवाल एक्सरसाइज 2 बी. हियर इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन थ्री रूट्स, 3 minus 2 and 1 of this polynomial x cubed minus 2x square minus 5x plus 6. हमको प्रूव करना है कि ये रियल वैल्यू जो है इसके जीरो है कि नहीं. थोड़ा सा और मैं आपको रिवीजन करूंगा. जीरो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन मैंने क्या बताया था, द रियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स ऑफ ए पॉलिनोमियल व्हिच सिंपलीफाई इट एज जीरो. सो वी रिप्लेस द वैल्यू ऑफ x by 3, by minus 2 and by minus 1 in these questions, and check it out whether the values after simplification, the value of this cubic polynomial is coming to 0 or not. Ab tayar hai, x cube minus 2 x square minus 5 x plus 6, ye hamara cubic polynomial hai. Humne x ko replace kar diya kisse, 3 se, 3 cube minus 2 into 3 square minus 5 into x ki jagah 3 plus 6. 3 3 jaane ki jaye 27, 3 3 jaane 9 ki jaye 18, 5 3 jaye 15 and plus 6. Minus 18 and minus 15 is equal to minus 33 and 27 plus 6 is equal to 33. Then 33 minus 33 is equal to 0. तो मैं चाहूंगा कि बच्चों आप p minus 2 का वैल्यू और p 1 का वैल्यू इसी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के भी पॉलीनोमियल में रखें और चेक करें 0 आता है कि नहीं. ये जीरो आएगा. अब हम वेरिफिकेशन करेंगे. हमारे पास अल्फा कितना हो गया, 3 हो गया, बीटा कितना हो गया हमारा, माइनस 2 हो गया, और गामा कितना हो गया, 1 हो गया. इस इक्वेशन में ए कितना हो गया हमारा, 1 हो गया, बी हो गया हमारा माइनस 2, सी हो गया माइनस 5 और डी हो गया 6. और चेक कर लें तो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू माइनस 2, C minus 5 and D 6 correct. अब हम यहां verification करेंगे. Alpha plus beta plus gamma is equal to minus B upon A. Alpha हमारे कितना है, 3 plus minus 2 plus 1 is equal to minus B का value क्या है, minus 2 अपॉन ए. ये क्या वैल्यू दिया है, तो हम सोचते करना है कि एल एच एस और आर एच एस सेम है कि नहीं. 3 प्लस 1 4 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2, सो 2 इज इक्वल टू 2 एंड सम ऑफ द रूट्स का वैल्यू आ गया. अब फिर हम दूसरा वैल्यू निकालेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा दैट्स इक्वल टू सी अपॉन ए. अल्फा का वैल्यू हमने रखा है यहाँ पर 3 इंटू माइनस 2 प्लस माइनस 2 इंटू 1 प्लस गामा का वैल्यू 1 इंटू 3 इज इक्वल टू सी. हम चेक करेंगे क्या है हमारा बच्चों, माइनस 5 और ए कितना है हमारा 1. यहाँ भी हमको चेक करना पड़ेगा एलएचएस आरएचएस इक्वल है कि नहीं है. 3 टू जा माइनस 6 प्लस माइनस माइनस 1 3 जा 3 दैट इज इक्वल टू माइनस 5. नाउ माइनस 6 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 8 एंड प्लस 3 दैट इज इक्वल टू माइनस 5. सो माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 5. और लास्ट हम चेक करेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दैट इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए. अब आपका कितना होगा, 3 इंटू माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस डी हमारा क्या है बच्चों, 6 है और ए हमारा कितना है, 1 है. 3 टू जब 6 एंड हियर माइनस 6. तो तीनों कंडीशन में हमने देखा सम ऑफ द रूट्स, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारा वेरीफाई हो गया. तब हम क्या लिखेंगे, वेरी. अब लास्ट क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. इस तरह इस लास्ट क्वेश्चन की तरह आपके पास एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ये आप समझ गए. चलिए अब लास्ट क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं.
ये भी बहुत आसान है दोस्तों। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसका एक ही हिंट है कि आपको जो भी इक्वेशन दिया जाएगा उसको आपको सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट में आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 आर एस अग्रवाल ऑफ एक्सरसाइज 2C Px is equal to 6x square plus x minus 2। हमको वैल्यू निकालना है अल्फा कॉन बीटा और बीटा कॉन अल्फा। इसमें ए कितना हमारा 6, बी हमारा 1 और सी हो गया हमारा माइनस 2। नाउ अल्फा कॉन बीटा प्लस बीटा कॉन अल्फा, आप कैल्सियम ले लीजिए अल्फा बीटा, बीटा बीटा कैंसिल और अल्फा अल्फा क्या हो गया हमारा अल्फा स्क्वायर हो गया, अल्फा अल्फा कैंसिल, बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर। मैंने क्या बताया था हिंट्स बच्चों आपको कि जो भी टर्म आएगा हम उस या तो सम ऑफ द रूट में उसको रिप्रेजेंट करना है या प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो डिनोमिनेटर हमारा प्रोडक्ट ऑफ द रूट में है, इस ये नहीं है। तो आप याद कीजिए क्लास 8 और 9 में आप एक फार्मूला पढ़े थे और न्यूमरेटर को इस वैल्यू से रिप्लेस करेंगे, अल्फा को ए और बीटा को बी मानेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा अल्फा अपॉन बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो गया हमारा माइनस जी अपॉन ए होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल सी अपॉन ए और दैट इज इक्वल सी अपॉन ए। अब इसका वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, बी इज इक्वल क्या हमारा माइनस 1 अपॉन 6 होल स्क्वायर 2 इंटू माइनस 2 अपॉन 6 और सी अपॉन ए का वैल्यू यहां भी हो गया हमारा माइनस 2 अपॉन 6। ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 36 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36 स्क्वायर का माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 3 या 6 2 अपॉन 3 और माइनस 1 अपॉन 3 इसको सिंप्लीफाई करेंगे। एलसीएम कितना हो गया हमारा 36 हो गया 1 3 12 का इक्वल टू या 24 3 से 36 को किए तो 12 दिया 36 12 दूना 24 माइनस 1 अपॉन 3 ये हो गया 25 अपॉन 36 इंटू 3 अपॉन माइनस 1 3 12 है तो आपका आंसर कितना था माइनस 25 अपॉन 12 दिस इज योर आंसर। अब मैं आपको आपका होमवर्क एक्सटेंड कर रहा हूं, आपको पॉलिनोमियल्स के 2.1 2.2 2.3 बनाने हैं और आगे से अगवा 2A 2B और 2C से कम आपको 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन बनाने हैं। इसके बाद मैं लीनियर इक्वेशंस आपका शुरू करूंगा, तो ग्राफ कॉपी आप तैयार रखोगे बच्चों क्योंकि पहला ही टॉपिक है हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशन, तो आप ग्राफ कॉपी तैयार रखिएगा और मेरे साथ बनाइएगा, मेरे वीडियो देखकर साथ साथ बनाइएगा।